अल्लाह गवाह है, सबसे कह रहा हूं शियों सुनियों से, आप हुसैन के क्याम को निकाल दो तारीख इस्लाम से तो इस्लाम हाईजैक हो चुका होता। आप देखिए कितनी इमाम मजलूम की उस कुर्बानी के सदके में ये फर्श अजा, ये इकट्ठे होना, दीन हुसैन ने क्या बचाया, उस दीन की बात हो सुने, बच्चे बूढ़े औरतें मर्द सुने समझे, अपनी रूहों को सिर्फ बदन ना आए फर्श अजा पर, यहां से हुसैनी रूह लेकर वापस जाए मुआशरे में। 10 दिन मैं जो बेसत का माना बयान कर रहा था, उठना उठान भड़कना, रसूलुल्लाह खुद ऐसे भड़के हुए थे कि अल्लाह को कहना पड़ता था अब आपको मैंने इसलिए कुरान नहीं दिया कि आप खुद को मशक्कत में डाल लो, इतनी मेहनत करते थे। और चूंकि हुसैन रसूल का वारिस है, हुसैन नहीं बैठ सकता मदीने में, जब वो देख रहे मेरे जद के दीन पे डाका डाला जा रहा है, हाईजैक किया जा रहा है, अल्लाह गवाह है सबसे कह रहा हूं शियों सुनियों से, आप हुसैन के क्याम को निकाल दो तारीख इस्लाम से तो इस्लाम हाईजैक हो चुका होता। ये नाम हुसैन की बरकत है, चाहे कोई हुसैन का नाम ले चाहे ना ले, गंदे हुक्मरान के सामने उठ के खड़े होना, ये रूह हुसैन की फूकी हुई है, वरना जिन्होंने कब्जा किया था इक्तदार पर, उम्मत के इक्तदार पर, उन्होंने अपने इक्तदार को जस्टिफाई करना था, वो क्यामत तक के लिए अपने जैसों के इक्तदार को जस्टिफाई करके चले जाते, लेकिन हुसैन ने ऐसी जर्ब लगाई उन पर कि ता क्यामत कोई मक्कार अपने नाजायज, कोई बदसिफात इस उम्मत के पर अपने इक्तदार को जस्टिफाई नहीं कर सकता, जो करने लगेगा कहीं ना कहीं से नाम हुसैन चराग की तरह आकर रोशनी कर देगा अंधेरे में, और देखने वालों को पता चल जाएगा यह झूठा है, हुसैन सच्चा है। और करबला के हर किरदार ने अपना अपना फरीजा, अपना हिस्सा डाला है करबला में।